क्लास ऑस्टिकथीज में हम बेसिकली बोनी फिश को स्टडी करते हैं। क्लास ऑस्टिकथीज इज मोर डाइवर्स ग्रुप देन कॉन्ड्रिक्थीज, और इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो बेसिकली बोन्स एंड कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। इसके अलावा इनके गिल्स के ऊपर अपरकुलम प्रेजेंट होता है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर एक्ट करता है, कवरिंग के तौर पर एक्ट करता है। इसके अलावा इनके अंदर लंग्स एंड गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रेस्पिरेशन का काम करते हैं, और स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जो कि इनके अंदर पायोन्सी को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। अब यहाँ पे जनरल क्लासिफिकेशन है ऑस्टिकथीज की। ऑस्टिकथीज को हम बेसिकली फर्दर दो सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक है सब क्लास सर्कोप्टेरिकी, सेकेंड इज सब क्लास एक्टिनोप्टेरिकी। अब सर्कोप्टेरिकी में बेसिकली हम जिन फिश को स्टडी करते हैं, वो थ्री ग्रुप्स फर्दर आ जाते हैं। एक है लंग फिश, एक है सीलोकैम्प्स, और एक है रिफिडिस्टियन। आज हमने जस्ट सर्कोप्टेरिकी के बारे में ही बात करनी है। तो सबसे पहले जो डिफरेंस है सार्कोप्टेरिकी का एक्टिनोप्टेरिकी का, वो क्या है वो हम देख लेते हैं। अगर हम सार्कोप्टेरिकी की बात करें, तो जो सार्कोप्टेरिकी में फिश है उनको लॉब्ड फिन फिश भी कहते हैं, जबकि जो एक्टिनोप्टेरिकी में रे फिन फिश होती है। अब बेसिकली जो सार्कोप्टेरिकी है उसमें ऐसी फिश फिश होती है जिनके अंदर जो फिन होता है उनके साथ एक मस्कुलर लॉब्ड अटैच होता है। फिर एज एक्टिनोप्टेरिकी में जो हमारे पास फिश की कैटेगरी आती है, उसके अंदर क्या होता है कि सिंपली रे फिन होते हैं, उसके अंदर कोई मस्कुलर लॉब जो है वो अटैच नहीं होता। अगर हम एक्सटिंक्शन की रेट की बात करें, तो जो सार्कोप्टेरिकी है उनके अंदर एक्सटिंक्शन का रेट हाई है एज कंपेयर टू एक्टिनोप्टेरिकी। यहाँ पे जो मस्कुलर लोब की मैंने बात की है, हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो एरो लगाए हैं, ए फिगर पे भी और बी फिगर पे भी। तो मैं आपको कुछ टाइम दे रही हूँ, 2 से 3 सेकेंड, जरा काइंडली उन एरोज को देख लें। जरा बी फिगर को देखें, जो कि ब्लू कलर की फिश है। उसमें देखिए फिन से पहले जहां पे मैंने एरो किक लगाया हुआ है, वहां पे देखिए एक मस्कुलर लोब अटैच है और उसके आगे फिन अटैच है। तो बेसिकली इस मस्कुलर लोब की बात कर रही थी, जो कि ए फिगर में आप देखें जस्ट फिन अटैच है, उसके साथ कोई मस्कुलर लोब अटैच नहीं है। अब जिसके साथ लोब अटैच है, मस्कुलर लोब अटैच है, डेट इज दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सार्कोप्टेरिकी। वेयर एज ए स्ट्रक्चर में आप देखें कि रे फिन है, यहाँ पे आपको कोई मस्कुलर लोब अटैच नहीं है। इट इज दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिनोप्टेरिकी ग्रुप, और इन बेसिस पे, इस डिफरेंस की बेस पे सार्कोप्टेरिकी एंड एक्टिनोप्टेरिकी को दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सार्कोप्टेरिकी को हम फर्दर थ्री ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक है लंग फिश, एक है सीलोकैंथ, एंड थर्ड वन इज रिफिडिस्टियन। सबसे पहले हम लंग फिश की बात कर लेते हैं। लंग फिश में बेसिकली लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो अभी करंटली अगर हम देखें, तो इनके सिर्फ तीन जेनरा हैं जो कि सर्वाइविंग फॉर्म में। रिमेंबर, थ्री जेनरा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस स्पीशीज। तो अगर हम फर्स्ट जेनरा के बारे में बात करें, उसका नाम है नियो सेरेटोडस। सेकेंड जेनरा इज प्रोटोटेरस। थर्ड इज लेपिडोसिरन। आई रिपीट, नियो सिरेटोडस, प्रोटोटेरस और लेपिडोसिरन। अब यहाँ पे नियो सिरेटोडस और ये जो तीनों हैं, ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर हम नियो सिरेटोडस की बात करें, जो कि बेसिकली क्वीनलैंड ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट होता है, ये वाला इनका जो जनरा है, और ये जो फिश है लंग फिश नियोसिरेटोडस, ये स्टेग्नेशन में सर्वाइव कर सकती है, लेकिन ये एक्सट्रीम ड्राउट की कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकती। अब यहाँ पे स्टेग्नेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा वाटर जो मूव ना करता हो, जो स्टेग्नेंट हो, उसको उसमें क्या हो जाती है, स्टेग्नेशन हो जाती है, उसको स्टेग्नेंट वाटर बोलते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो कम हो जाती है, और जब ऑक्सीजन वाटर में कम हो जाएगी तो वहां पे जो लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। तो नियो सिरेटोडस लंग फिश क्या करती है कि आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स के बाद ये दोबारा सरफेस पे आती है, और वहां पे अपने माउथ को बाहर निकाल के
थोड़ी जो ऑक्सीजन जोन सी होती है, आप कह लें कि सांस लेती है और दोबारा वाटर में चली जाती है. तो बेसिकली जो नियो सिराटोडस है वो स्टेग्नेशन में सर्वाइव कर लेती है, लेकिन वो ड्राउट की कंडीशन में सर्वाइव नहीं करती. फिर एज प्रोटोटेरस एंड लेपिडोसिरन, इनमें जो प्रोटोटेरस है वो अफ्रीका में प्रेजेंट होती है, फिर एज लेपिडोसिरन बेसिकली साउथ अमेरिका में प्रेजेंट होती है. इन दोनों के अंदर एबिलिटी है कि ये स्टेग्नेशन एंड ड्राउट दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. अब क्या होता है बेसिकली, जब ड्राउट की कंडीशन आती है, जब कहर पड़ जाता है, जो नदियां हैं, जब एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बारिश नहीं होती, तो जो नदी होती है वो भी ड्राई हो जाती है, रिवर्स हैं वो भी ड्राई हो जाते हैं. तो एट दैट टाइम जो बेसिकली लंग फिश है, जो प्रोटोटेरस एंड लेपिडोस, ये बेसिकली एक जनरल डायग्राम है लंग फिश की, आप जरा एक बार देख लें इसको. अब यहाँ पे देखिए, हम बात करें लंग फिश की कि वो किस तरह से ड्राउट की कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है. तो यहाँ पे देखिए, एक इमेज दिया हुआ है. इसमें क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल गर्मी होती है, और गर्मी के सीजन में ऑब्वियसली अगर बारिश नहीं हो रही तो जो नदी है, जो स्ट्रीम्स हैं, जो रिवर हैं, वो भी ड्राई हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. अब क्या करती है, जैसे ही वहाँ पे पानी जोन सा है वो खत्म होने लग पड़ता है, तो जो लंग फिश है जब कीचड़ सा रह जाता है, तो एक होल अपने माउथ से डिक करती है वहाँ पे मट्टी के अंदर, और होल को डिक करके ये बेसिकली अप्रोक्सीमेटली कोई नीचे चली जाती है जमीन के अंदर 30 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर तक. जब ये उस जगह पे चली जाती है तो उसके बाद ये क्या करती है कि अपने माउथ से ये वहाँ पे म्यूकस रिलीज करती है. वो जो म्यूकस है वो इसकी बॉडी के सराउंडिंग में आप देख सकते हैं, नीचे जो होल सा बना हुआ है आपको एक वाइट कलर की लेयर सी नजर आ रही होगी, दैट इज बेसिकली म्यूकस. और वो जो म्यूकस होता है जब ये रिलीज करती है, तो वो म्यूकस विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्राई हो जाता है और एक लेदरी पाउच लाइक स्ट्रक्चर को कौन बना देता है, जो प्रोटेक्ट करता है लंग फिश को ड्राई होने से, डिहाइड्रेशन से बचाता है, और लंग फिश एस्टिवेशन में चली जाती है. अब यहाँ पे एस्टिवेशन क्या होता है, जैसे कि हाइबरनेशन होता है, एनिमल्स एक्सट्रीम सर्दी से बचने के लिए, कंडीशन से बचने के लिए हाइबरनेट कर जाते हैं, इसी तरह से एस्टिवेशन जो टर्म है वो हम तब यूज करते हैं जब एनिमल्स एक्सट्रीम समर हीट से बचने के लिए एक लो मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक स्टेट में चले जाएं, तो उसको हम एस्टिवेशन कहते हैं. एस्टिवेशन बेसिकली समर हीट से बचने के लिए एनिमल जो डोरमेंट स्टेज में जाते हैं, स्टेट में जाते हैं, उसको एस्टिवेशन कहते हैं. वेयर एज जो हाइबरनेशन है वो विंटर के साथ लिंक करती है. तो जो लंग फिश है बेसिकली वो एस्टिवेशन में अप्रोक्सीमेटली इसीली 6 to 8 months तक सर्वाइव कर सकती है. जैसे ही कंडीशन नॉर्मल होती है, बारिश होती है, तो ये अपनी एस्टिवेशन से बाहर निकल आती हैं, और जैसे ही इनको कोई सूटेबल पॉन्ड या कोई स्ट्रीम मिलती है तो ये दोबारा वहाँ पे जाके सेटल डाउन हो जाती है. मैं आपको एक वीडियो लिंक दूंगी, काइंडली उसको देखिएगा, वो आपको लंग फिश के एस्टिवेशन प्रोसेस को फर्दर अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करेगा. सेकेंड ग्रुप ऑफ सार्कोप्टेरिकी इज सीलोकैंथ. ये जो इमेज है वो एक सीलोकैंथ का है जिसका साइंटिफिक नेम लैटिमेरा किलोमिनाई है. अब लैटिमेरा किलोमिनाई जो कि सीलोकैंथ है, इसको 1938 से पहले अज्यूम किया जाता था कि जो सीलोकैंथ हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, लेकिन 1938 में साउथ अफ्रीका में कुछ लोग फिशिंग कर रहे थे तो उन्हें कोई सीलोकैंथ से मिलती हुई एक फिश मिली, और उन्होंने जब उसको आइडेंटिफाई किया तो वो एक लैटिमेरा किलोमिनाई थी. आफ्टर डैट साइंटिस्ट ने जब सर्च किया तो इन डीप वाटर ऑफ कमोरो आइलैंड ऑफ मेडागास्कर बहुत से और भी सर्वाइविंग मेंबर ऑफ सिलोकैंथ साइंटिस्ट ने कैप्चर किए, और इसकी जो डिस्कवरी थी वो एक माइलस्टोन इसलिए है क्योंकि लैटिमेरा किलोमेनाई को एक क्लोजेस्ट टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट का फिश रिलेटिव कंसीडर किया जाता है. और अगर आप इसको देखें तो ये काफी बड़े साइज की फिश होती है, इसका जो वेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 80 kg तक होता है, और इसकी बॉडी के ऊपर हैवी स्केलिंग होती है. थर्ड
थर्ड जो ग्रुप है हमारे पास सार्कोप्टेरिकी का, वो बेसिकली रिफिडिस्टियन है। ये एक एक्सटिंक्ट ग्रुप है जो कि प्लियोजोइक एरा से पहले ही खत्म हो गया था, और रिफिडिस्टियन के बारे में अज्यूम किया जाता है कि ये एंशियंट एम्फीबियंस के रिलेटिव्स में से है।